हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मृणाल देव है। आज से मैं ट्रिपल सी की एक नई वेब सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल सी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रिपल सी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के बारे में। आज के ज़माने में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो गया। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इसे अपनी अपनी जॉब्स में वैकेंसीज़ में इसको कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं कि लेखपाल का भी आने वाला है फॉर्म, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, जो कि अभी आने वाला है, उसमें भी ट्रिपल सी बहुत कंपलसरी किया गया है। तो ठीक है, इसीलिए ट्रिपल सी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इसका मेन ज़रूरत आपको जॉब पाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल सी होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज़ ट्रिपल सी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रिपल सी का मतलब होता है कि जो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का प्रोवाइड करे। ट्रिपल सी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रिपल सी और एक बीसीसी। बीसीसी मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और ट्रिपल सी मतलब कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल सी को कंडक्ट कौन कराता है। ट्रिपल सी को निलिट एक संस्थान है जो कि सरकार क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये ही हर महीने मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हर महीने ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है निलिट, ये याद रखिएगा। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम, थोड़ा और कुछ आपको बता दूँ, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हर महीने होता है। इसको करने के दो तरीके हैं, आप या तो खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कहा जाए कि कोई बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, वो भी ट्रिपल सी पढ़वाते हैं, और अपने से मतलब कि सेल्फ अप तैयारी करके आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आप जब भी अगर आप किसी संस्था के थ्रू अगर करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट संस्थान में आएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, और अगर अपने से तैयारी करके करेंगे तो आपको घर बैठे ही आपको इसका क्या बोलते हैं इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका मिनिमम एज और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम एज है इसका 16 साल। ठीक है, 16 साल मतलब कि आप लोग जानते हैं कि 16 साल में 10th पास हो जाता है, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी 10th ही है। अगला हम लोग देखेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, 80 घंटे पर डे में 1 घंटे भी अगर आप तैयारी करेंगे तो 80 घंटों में आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कब होता है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ये हर महीने इसका एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, इसको आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें आपको आप देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कैसे काम करता है ये वो। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर का हिस्ट्री, कंप्यूटर का बैकग्राउंड्स मैंने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इत्यादि, ये सब और भी चीज़ें आती हैं इसमें। एम एस वर्ड मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जो है वो सब आप एम एस विंडोज़ में आप देख सकते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल कैसे बनाए, फोल्डर्स कैसे बनाए, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो सब आपको बताएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स, इसके अलावा फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसके अलावा क्या बोलते हैं स्क्रीन में चेंजेस, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, पेंटिंग, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग विद एम एस वर्ड, अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने भी काम हैं वो इसके अंदर आएंगे। स्प्रेडशीट तैयार करना मतलब कि एम एस एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। अगला है पावर पॉइंट मतलब कि आप प्रेजेंटेशंस जैसे बनाते हैं, और फिर प्रेजेंटेशंस हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट है वो सब आप बनाना पावर पॉइंट में सीखेंगे। और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट मतलब कि कंप्यूटर को अच्छे से हैंडल करना और इंटरनेट के यूज़
करना, वो आपको इसमें पता चलेगा। और एमएस ऑफिस मतलब कि एमएस ऑफिस के अंदर आउटलुक, एक्सेस इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं वो सब इसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ट्रिपल सी में होता क्या है, कितने कितने देर में तैयारी करेंगे तो वो इसका काम आएगा, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।